यस मैम। कंसेप्ट में कंसेप्ट इट्स अप टू यू कि कैसे रेंडर करना है। अगर कलर से रेंडर करना है कलर से कर लो, नॉर्मल स्केच कर लो, पेंसिल से शेड्स वगैरह कर लो, पेन गंजन कर लो, वट एवर यू फील उस लाइक पे इफ यू आर क्योंकि मैं वर्किंग सोच विद। रही थी, यस मैम, कि जो हाँ जब हम लोग को कलर शो करना है तो मेरे पास शेड कार्ड है, तो उसके स्कॉचेस में लगा दो उस पे। ठीक है, हाँ यू ठीक है, कैन डू दैट। यस मैम। क्योंकि मैम सारे कलर्स वैसे हैं नहीं, और मैसी हो जाए अभी कलर पे, तो फिर स्वेटर की वैसे नहीं। ओके फाइन। वन मोर थिंग, यस मैम। हैव यू डन लाइक हैव यू कंप्लीटेड योर कॉन्सेप्ट? नो मैम, इट्स ऑन माय हाफ पे मैम। बाय ओके टुडे इट विल आई बी कंप्लीटेड। यस मैम। मैम सबमिट हम लोग किधर करेंगे, कल आइडियल वाला भी और वो भी? कंसेप्ट अभी मैंने असाइनमेंट टैब नहीं बनाया था ना, लिटरेचर स्टडी का बना दिया था, तो लिटरेचर स्टडी दोनों कर दिया है क्या? नो मैम, एक रह गई है मैम, मैं उसको एक साथ सबमिट कर दूंगी। अच्छा ओके एक रह गई है तो ठीक है, लिटरेचर स्टडी कर देना। आई विल क्रिएट अ दिस टैब फॉर योर कंसेप्ट एंड देन यू कैन लाइक शेयर योर कंसेप्ट ओवर देयर। यस मैम। एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू आस्क? नो मैम, आई वॉज थिंकिंग टू कंप्लीट द वर्क। हम एक्चुअली नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, तो बार बार स्क्रीन ब्लैकआउट हो जा रही है। अच्छा ओके कोई यस मैम। बात नहीं, ट्राई टू बी इन द क्लास। और अभी अभी अपना लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन योर कंसेप्ट तो कभी कंसेप्ट कर लो काम यस एंड मैम। टेल मी इन हाफ एन आवर लाइक वट एवर यू हैव कम्प्लीटेड। अभी कितना यस कम्प्लीट मैम। कर लिया है उतना दिखा दो। मैम अभी तो सिर्फ एक प्रॉब्लम, एक रिसेप्शन एरिया का ही मैंने उसका पूरा लिखा हुआ था कि उस पर क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, रिसेप्शन एरिया पे क्या मटेरियल आएगा उस पर। मैम उस हिसाब से स्कॉचेस में उसको पेस्ट करूँगी। अच्छा ओके तो डू वन थिंग, यस टेक मैम। हाफ एन आवर मोर। अभी जितना स्केच कर पाते हो अगर कुछ कर रहे हो तो हाफ एन आवर यस के मैम। बाद मुझे दिखा दो कि कितना कर लिया है एंड यस मैम। देन अगर नेक्स्ट क्लास में कर लो तो नेक्स्ट क्लास में सबमिट कर देना। यस ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। गुड इवनिंग चेतना। गुड इवनिंग मैम। चेतना, हैव यू कंप्लीटेड योर कंसेप्ट? यस मैम। ओके देन सबमिट इट इन योर इन द टैब, द असाइनमेंट टैब। यस मैम।
चेतना, हैव यू सबमिटेड योर कंसेप्ट शीट? चेतना, Yes, ma'am, I have done. अच्छा यू हैव, Yes, Chetna, I got it, and I have marked you for the sale. Yes, Yes, okay. मैम यस चेतना, मैम, व्हाट टू डू नेक्स्ट? वी हैव टू मेक अ फ्लोर प्लान फॉर दिस. जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है, आई विल टेल यू. यस मैम.
Chetna, I'll be sharing a nursery school plan, floor plan, shortly in the group, in the WhatsApp group. What you people need to do is, you have to draft that and start working on the interiors room by room. So we don't have to plan out the space, as in. No, you don't have to plan out. You don't. You just have to do the interiors. Okay. Yes, ma'am. Do you want to plan it out according to you? So I can give you a full area. I can give you a site area. There you can have a. You can place your building block according to yourself. Okay? If you want. Otherwise, I can give you the plans. You only have to work on interiors. If you want to work on planning as well, I can like tell you how to do that as well. Ma'am, I'm fine with both of them as you wish. Okay, then I'll be giving you the plan. Just do the interiors of different rooms. There will be different rooms as we have studied. There will be different classrooms, activity rooms, and like play area. So you have to just... you will be given the space, and you just have to do the interior part of that. Okay? Yes, ma'am.
Chetna, I'll be sharing it shortly. And start, like, when you get the plan, draft it, and then start working on the classroom first. Okay? It takes 2 to 3 days, and just complete your, like, all the 4 elevations of your classroom, and then we'll be switching to another room. Okay? So, whenever you get the plan, you can start working, and we'll discuss it in our next class then. So we don't have to, we have to make the elevations. Yes, you have to make the elevations and your 3D sketches to define like what kind of interiors you are doing to this. Okay. Okay. Okay.